विभिन्न ताप वाली वस्तुओं के बीच ऊर्जा का अपने होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा जो है वो दो तरीके से होती है, थोड़ा सा छूट गया था। तो ऊष्मा किसके शरीर होती है, एक तो स्पेसिफिक हीट होती है, पहला क्या होता है, हीट चल रही थी ना, क्या होती है या हीट क्या होती है। तो हीट जो होती है नंबर वन क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, देखिए किसी वस्तु का जो बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, या 1 kg बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो चाहे लिख लो, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, द हीट, चाहे हिंदी बोले इंग्लिश बोले, इंग्लिश वाला है कि नहीं आज, इंग्लिश मीडियम वाला है, इंग्लिश मीडियम में तो लिखो, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द हीट रिक्वायर्ड, और जब लोग पढ़ते हिंदी भी बोलते हैं द हीट रिक्वायर्ड टू रेज RAIS ही रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी रेड टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी। वो यूनिट मास 1 kg भी हो सकता है, 1 kg होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ मास बॉडी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिखिए, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का टेम्परेचर, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, लिखिए हमने, तो लिखिए ये है, आगे लिख लू, ये वस्तु के द्रव्यमान तथा टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर निर्भर करती है। डेल्टा डे, अगर मतलब कहीं पर हीट का फ्लो हो रहा है मान दो, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा कि टेम्परेचर रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो रेस करेंगे, ऐसा तो नहीं कि किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, जहाँ जो हीट रिक्वायर करेगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जहाँ से हीट क्या होगी चली जाएगी, निकल जाएगी, तो वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है, अगर आप निकालेंगे तो हीट, अगर हम निकालते हैं तो हीट जो है किस पर डिपेंड करती है, डेल्टा की, आपने फार्मूला पढ़ा है, या डेल्टा की जो हीट होती है, चेंज इन हीट जो होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, चेंज इन हीट जो डिपेंड करती है ऊपर मास के ऊपर डिपेंड करती है, और उसके बाद डिफरेंट टेम्परेचर पानी के ऊपर, डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या होती है यहाँ पर, चेंज इन हीट, ठीक है, या स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट बिटवीन
कूल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो ये क्या कहलाती है हमारी हीट कहलाती है, ऊष्मा चेंजिंग बना लेना, ठीक है चेंजिंग। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर और चेंजिंग टेम्परेचर के ऊपर। अब अगर हम दोनों का टोटल निकाल दें तो क्या हो जाएगा एम डेल्टा, ठीक है। और अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल हटा देते हैं क्या लिखा जाएगा, आयतन
मैसेज को एक भी होती है, दूसरी क्या होती है स्पेसिफिक हीट, और इसे किससे लिखते हैं सी बी, बी नीचे लगा देते हैं सब, इसके मतलब वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है स्पेसिफिक देख सकें, अगर छोटा लिखेंगे तो छोटा लिखे लिख के हो सकता ठीक है, तो क्या हो गया एक हो गया सी पी, एक हो गया सी पी, अगर हम दोनों रिलेशन देखिए आपके आप करने को नहीं आएगा रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी पी फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है तो रिलेशन बिटवीन सी पी एंड के बीच संबंध पूछा तो सीपी माइनस सीबी किसके बराबर होता है आर, आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, आर लिख दिया जी क्या होता है सर्वात्रिक गैस नियतांक, सर्वात्रिक मतलब हर जगह उसकी वैल्यू एक जैसी रहेगी, जहाँ पर यूनिवर्सल लिखा होता है तो मतलब है कि उस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे आप अर्थ पे लें चाहे आप कहीं दूसरी जगह ले पे, तो वो हर जगह उसकी वैल्यू क्या रहेगी कॉन्स्टेंट, तो इसलिए उसे यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल के मतलब यही होता है कि वो हर जगह एक जैसा ही रहेगा, सर्वात्रिक नियतांक कहा जाता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं सर्वात्रिक नियतांक, यूनिवर्सल मतलब सर्वात्रिक हर जगह एक जैसा रहना, जैसे जी की वैल्यू जो है आप कहीं भी लेंगे उसकी वैल्यू वही रहेगी कॉन्स्टेंट, कितनी होती है अब ये थोड़ा सा छूट गया था, तो मैं देखा जाता कि आप तकलीफ आपको पढ़ा रहे थे तो बिल्कुल ये भी चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी, तो इसलिए मुझे बाद में मैंने देखा कि ये प्लॉट थोड़ा सा छूट गया था। अब देखिए इसकी परिभाषा अगर लिखनी है सी पी सी बी की तो सिर्फ थोड़ा ही चेंज है, तो आपने परिभाषा भी लिखी है लेकिन इससे सुषमा की अगर इसकी आप परिभाषा लिखेंगे ठीक है सी पी या सी बी की सिर्फ क्या होगा जहाँ पर क्या लिखा है कि एकाग्र द्रव्यमान की वस्तु का ताप एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ठीक है एकाग्र द्रव्यमान की ताप वस्तु का ताप एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए नियत आयतन, क्या कह देंगे वहाँ पर एक वर्ड बढ़ा देंगे कि नियत आयतन या नियत दाब, तो कुछ नहीं चेंज नहीं करना बस एक वर्ड बढ़ा देना है कि एकाग्र द्रव्यमान की वस्तु का टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए नियत आयतन पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, तो सिर्फ क्या करेंगे एक बार बढ़ा देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर और कुछ चेंज नहीं करना है, कि अगर दाब की बात करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर कह देंगे, तो परिभाषा में कुछ चेंज नहीं करना है तो एक वर्ड चेंज हो जाएगा नियत आयतन और नियत दाब इतना बढ़ जाएगा तो परिभाषा आपने लिखी है तो इसे लिख लेंगे, अरे किताब में किसी ने लिए नहीं क्यों हाँ अरिहंत वाली चलिए वो भी चल जाएगी हिंदू भी अच्छी है लेकिन जो है किताब जरूर होना चाहिए, बिना किताब के काम नहीं चलेगा आपका, एक किताब जरूर ले लीजिए जो भी यहाँ टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसे देख के आइए करें, तो उसमें आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें जो मेन मैंने वो तो आपको बता ही रहे हैं उसके अलावा भी आप जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, आ जाओ भाई मेरे पुराने स्टूडेंट आ जाओ, जय हिंद जय हिंद, आओ भाई बहुत दिनों बाद दिख गई है फिर तो आज पढ़ी लिखी चीज़ें पढ़ा रहे हैं।
नीट की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की पढ़ा रहे हो? 8 लेक्चर मुझे यूपीएससी पढ़ाने थे, लगभग ऑलमोस्ट मैंने मैकेनिक तो कवर कर दिए लोगों की, अब जो है थोड़ा सा थर्मल बचा है और उसके बाद जो है वे लाइट का तो एक पार्ट बचा है फर्स्ट पार्ट का, अब फिर उस पर आ जाएंगे सेकेंड पार्ट के ऊपर, 3 लेक्चर सेकेंड पार्ट के पढ़ा देंगे जितना हो जाए हो सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताना या बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो वही सी पी सी बी में रिलेशन होता है, इनकी परिभाषाएँ हुई, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें ठीक है। उसके बाद जो है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसमें साम्यवस्था है सर, बताओ बताओ उसमें साम्यवस्था क्या होती है? देखिए सुनो, जब किसी वस्तु का टेम्परेचर बता रही है वो अलग भाषा उसकी है, ठीक है? लेकिन जब टेम्परेचर किसी वस्तु का सराउंडिंग के साथ क्या हो जाए इक्वल हो जाए, कैसा हो जाए? जब टेम्परेचर वस्तु का सराउंडिंग के साथ या वस्तु कोई भी वस्तु उसके हर एक पार्ट का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के साथ कैसा हो जाए, बराबर होता है हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी जो है वो हमारी किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्या है? उष्मीय साम्यवस्था में। उष्मीय साम्यवस्था का मतलब जो है कि अगर सराउंडिंग के साथ बॉडी का टेम्परेचर जो है समान है, जो समान होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, वेरिएशन नहीं होगा, वहाँ एक्सचेंज नहीं होगा, एक बॉडी का टेम्परेचर वही है दूसरी बॉडी का भी वही टेम्परेचर है, तो जब दोनों बॉडियों का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा, तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, नहीं होगी मतलब नियत हो जाएगी, होगी तो चेंजिंग तो होगी लेकिन कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो इसे हम कैसा क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम उष्मीय साम्यवस्था कहा जाता है। उष्मीय साम्यवस्था क्या है कि जब बॉडी का टेम्परेचर या सोर्स का टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम के मतलब यही होता है कि दोनों ओर की चीज़ें क्या हो जाए, समान, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, जब रिएक्शन पढ़ते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, कि वहाँ पर अगर रिएक्शन का टेम्परेचर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं ये इक्वेशन जो है वो किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम, क्लियर? तो इसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद हमारा आता है लास्ट थर्मोडायनामिक्स, क्या आता है लास्ट लेटेंट हीट क्या, एक ही चीज़ है जो अभी तुमने विशेष रूप में पढ़ाई है। अब यहाँ पर क्या था कि स्टेट अवस्था परिवर्तन, क्योंकि अवस्था परिवर्तन वस्तु की है, वस्तुओं के अवस्था परिवर्तन में जितनी ऊष्मा की क्या होती है आवश्यकता होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा, नहीं वहाँ यहाँ बात नहीं करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड की, क्या करेंगे अवस्था परिवर्तन में जो होता है ऊष्मा की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऊष्मा कहते हैं, मतलब उसका समझ लीजिए जैसे बर्फ पानी बन रहा है, क्या बन रहा है, बर्फ का पानी बन रहा है। अब पानी और बर्फ एक ही टेम्परेचर के हो सकते हैं, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भी होता है, वाटर भी होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, आइस भी होती है। बात समझ में आ रही है कि जहाँ पर टेम्परेचर परिवर्तन ना हो ऊष्मा तो खर्च होगी लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, तो वहाँ पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है अवस्था परिवर्तन में समान टेम्परेचर पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होती है, ऐसी ऊष्मा है जो हमें प्रतीत नहीं होती लेकिन होती है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, गुप्त ऊष्मा। समझ लीजिए, देखिए आप व्यवहारिक तौर पर समझ लें, जैसे क्या बर्फ से पानी बन रहा है, तो ये आप ध्यान समझ लीजिए कि बर्फ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है और पानी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी ज़्यादा ठंडा होता है या बर्फ ज़्यादा ठंडी महसूस होती है, टेम्परेचर तो सेम है लेकिन वहाँ पर क्या किसका मसला है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस का मसला है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और टेम्परेचर यही तो है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है और पानी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो दोनों के टेम्परेचर क्या है, इक्वल है। अब जब बर्फ बनती है पानी या पानी बर्फ बनता है, ऐसे नहीं बनता, वहाँ पर भी ऊष्मा की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है, चाहे बर्फ से पानी बने या पानी से बर्फ बने, ठीक है? जब पानी क्या होता है, बर्फ बनता है, तो वहाँ पर क्या होती है, ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, और जब पानी से क्या होता है, बर्फ से पानी बनता है, तो वहाँ ऊष्मा क्या होती है, खर्च होती है, लेकिन वो पता नहीं चलती मुझे, तो वो ऊष्मा क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है, कि बर्फ से पानी बने या पानी से, यानी अवस्था परिवर्तन में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, हमारी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। सर, तो ये
सिर्फ फेज से फेज ही ट्रांजिशन है, टेम्परेचर वेरी हो जाएगा तो बिल्कुल लेटेंट हीट होगी नहीं, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जब केवल फेज स्टेट मतलब अवस्था परिवर्तन होती है, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर वहाँ लेटेंट नहीं होगी, क्या हो जाएगी ऊष्मा हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊष्मा के लिए फार्मूला होता है वो टेंशन इनटू एमएल होता है, मास इनटू लेटेंट, ठीक है। ठंडा कौन होगा सर बता रहे हैं जी, ठंडा कौन होगा सर, ठंडा कौन होगा जो देखो मतलब वो सर हाँ पानी ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है तो वो ज़्यादा ठंडा लगेगा एज कम्पेयर टू वर्क, ठीक है। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होता है वो ज़्यादा रिलाइज होता है हमें ज़्यादा ठंडा एज कम्पेयर टू आइस, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप बर्फ डालेंगे अपनी बॉडी को तो आपको महसूस होगा वो ज़्यादा ठंडा महसूस होगा एज कम्पेयर टू आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ रख लेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बर्फ होता है वो या पानी में अगर पूछें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ ज़्यादा महसूस होगा ठंडा या पानी, तो पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ज़्यादा महसूस होता है ठंडा, लेकिन टेम्परेचर दोनों के सेम है, क्या है एक ही बात वही लेटेंट हीट का मसला, इसका हीट मसला है लेटेंट हीट का मसला, ठीक है। कि जब पानी बर्फ बनता है तो वो क्या करता है लेता है ऊष्मा को, ठीक है, जब बर्फ से पानी बनता है तो वो रिलीज करता है और जहाँ से ऊष्मा निकलेगी तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, और जो ऊष्मा लेगा उसका थोड़ा ग्लाइजन से टेम्परेचर सेम है लेकिन फिर भी क्या है महसूस करने की बात है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है वहाँ पर, क्या है कि डिग्री एंड हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी होगा वाटर होगा वो ज़्यादा रिलाइज होगा ठंडा, क्योंकि महसूस होगा कि वो ज़्यादा ठंडा है, बेसिकली टेम्परेचर दोनों के सेम ही होते हैं। तो वहाँ पर कंसेप्ट किसका है हमारा लेटेंट हीट का है, क्लियर, इतना तो याद रहेगा या लिखाना है, ये लिखना तो नहीं है तो इसलिए बुक आप लोग ले लेना अगर कहीं पर, ठीक। आगे कहाँ चलते हैं इसकी बात कर रहे हैं, अच्छा फार्मूला ध्यान रखिएगा लेटेंट हीट की, अगर कहीं पूछता है आपसे तो फार्मूला क्या लगाएंगे एम इंटू एम, एम जो होता है बेसिकली क्या होता है लेटेंट हीट, एम जो है क्या है ये एम जो मास है और एम क्या है यहाँ पर ये बता भी देते हैं और जो वाटर के लिए एल की वैल्यू होती है एल इक्वल टू एम पी वाटर के लिए कैलोरी, ठीक है, क्या होती है लेटेंट हीट की वैल्यू 80 जूल में सर क्या होगा सर जूल पर मोल, क्या होती है जूल पर मोल होती है, अगर यहाँ से निकालोगे एल की वैल्यू तो डेल्टा के ऊपर एम आएगा, एम क्या आएगा पीछे आएगा, ठीक है, तो कितनी होती है जूल पर मोल, ठीक है। अब अगर ये किसके लिए होती है एम की, किसके लिए वाटर की जूल पर, ठीक है, और इसके लिए अगर हम एल की वैल्यू लेते हैं भाप के लिए स्टीम के लिए तो कितनी होती है 500, ठीक है, ये किसके लिए है स्टीम मास सेकेंड आप देख लेते हैं कहीं पर आप लेना होगा कहीं पास, ठीक है 540 होती है, ठीक है, और उसके लिए कितनी होती है आइस के लिए, सॉरी क्या करते हैं दिमाग को क्या चल रहा है वाटर नहीं सॉरी आइस, अरे सर बर्फ के लिए काट दिमाग में कुछ है दिमाग से कुछ निकल रहा है, ठीक है। आइस के लिए कितनी होती है 80 होती है और भाप के लिए जो होती है वो कितनी होती है 540 होती है, नोट कर लीजिए, पानी के लिए पानी तो पानी बाकी नहीं होती है ये आइस और या भाप की होती है, ठीक है। दिन में नोट कर लिया क्या फेयर नोट बनाते हो यहाँ पर लफ बनाया को घर पे जाके इसे एक बार शेयर करोगे तो उत्तर तैयारी हो जाएगी आपकी, मेहनत करनी है तो मेहनत आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे हम आपको खाली चीज़ थोड़ी बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ और भी बता रहे हैं कुछ चीज़ें आपको लिखा दे रहे हैं, तो जब नोट्स आप बनाइए देखिए बेस्ट पे आप नोट्स आप किताब खरीद लीजिए, देखिए कुछ तो खर्च करिए अगर ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सरकार तो आपको कुछ कराई नहीं है, एक हमने बताया था आपको एनसीईआरटी की किताब खरीद लीजिए, पहले 9th 10th पढ़िए उसके बाद 9th 10th पढ़ लें तो 11th और 12th भी पढ़ लें, बहुत बेसिक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है,
यूपीएससी के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके जो भी फीस से पूछे जाएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, वो भी वो बेसिक कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होंगे जो हमारे व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वहाँ पर। आपको बहुत डीप नॉलेज नहीं पूछी जाएगी, बहुत गहराई में नहीं जाएगा क्वेश्चन, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन होंगे। यही क्वेश्चन हो सकता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होता है या क्यों होता है, खुद को समझते बात समझ में आए, बस रीजन भी पूछ लेते हैं कभी, एक नंबर का सवाल होता है कि आंसर एंड आल्सो टेल रीजन, उसका रीजन भी पूछते हैं कभी कभी, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन भी इस तरीके पूछता है लेटेंट हीट पे या स्पेसिफिक हीट पे, तो देखिए लेटेंट हीट की स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या बताया था मैंने भी, कि डेल्टा क्यू कंटिन्यूटी आप निकालने के लिए क्या होता है, एक्सी डेल्टा क्यू होता है, ये किसके लिए होता है, डेल्टा टेंपरेचर यानी जहां स्पेसिफिक हीट इन्वॉल्व होती है, तो फार्मूला क्या लगाया गया आपको मास पता है, अगर वो हीट पूछना चाहिए थी नहीं तो आप क्या करेंगे, मास की वैल्यू दी होगी, टेम्परेचर हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे, ध्यान रखना टेम्परेचर किस में दिया होता है, सेंटीग्रेड में दिया होता है, लेकिन उसे लेते किस में हम जब फॉर्म यूज करते हैं तो केल्विन में, ठीक है, इसमें लेंगे कि टेम्परेचर हमेशा जो बुक में दिया होगा क्वेश्चन में वो काहे दिया होगा, सेंटीग्रेड में दिया होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इसमें दिया होगा, अब इसे किस में चेंज करना है हमें, इसमें केल्विन में चेंज करने के लिए, जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पर 273 एड कर देंगे, क्या कर देंगे, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो 1+273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एड कर देंगे तो ये किसमें बन जाएगा, केल्विन में बन जाएगा, कितना हो जाएगा 274 केल्विन, केल्विन लिखा होगा तो डिग्री में लिखी होगी, ध्यान रखिए केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं होगी, इससे ध्यान रखना, ठीक है, जैसे रूम टेम्परेचर होता है, हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है 35 रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड को 300 डिग्री के लिए कितना आता है 300 केल्विन, तो 27 में अगर सेंटीग्रेड होता है अगर सर केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 273 कर देंगे, तो क्या होगा 27 + 273 कितना मिल जाएगा केल्विन में आएगा, ये केल्विन, ठीक है, कितना हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन भी कह देते हैं लेकिन लिखते नहीं डिग्री केल्विन, साइंटिस्ट का नाम है क्या, साइंटिस्ट का सही कह रहा थॉमस केल्विन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन के केल्विन अभी पढ़ाएंगे हम आपको, सही कह रहा थॉमस केल्विन जो है इसका इसने पहला जो थर्मोडायनामिक स्केल बनाया था, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर जो बनाया था वो किसने बनाया था, थॉमस केल्विन ने, ठीक है, पहला थर्मोडायनामिक, हाँ थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मेजर करने का स्केल बनाया गया था वो किसने बनाया था, थॉमस केल्विन, उसका पूरा नाम क्या था, थॉमस केल्विन, ठीक है, तो इसलिए तो उसने अपने नाम के ऊपर ही इसको यूनिट मतलब रख दी इसकी, टेम्परेचर की जो यूनिट होगी या मान लो इसकी जो, तो जो थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी आपके कोर्स में है तो इसके ऊपर ज़्यादातर वो फार्मूला एक होता है वो पूछ लेता है कि जो है कि सेंटीग्रेड से टेम्परेचर सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करने के लिए या केल्विन से फारेनहाइट में चेंज करने कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, एक अगर मान लो उसने दे दिया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो यहाँ तो सीधा सीधा आपके पास फार्मूला है क्या है 273 कर देंगे, और अगर कह दें कि केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो क्या करेंगे घटा देंगे, भाई जिस तरीके से आप सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 273 कर देते हैं, ठीक है, हाँ सही याद है, और अगर वो कह रहा है कि अगर सेंटीग्रेड को किस में चेंज करना है फारेनहाइट में चेंज करना है या कह दे फारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना है, तो देखिए जो हम बॉडी का टेम्परेचर अपने मेजर करते हैं वो कहाँ करते हैं फारेनहाइट में, जब बुखार होता है वो केल्विन या सेंटीग्रेड में नहीं होता, हमारा जो हमारे पास जो होता है वो किस में होता है फारेनहाइट में मेजर करते हैं, ठीक है, 100 डिग्री फारेनहाइट अभी फारेनहाइट भी साइंटिस्ट ही थे, तो इतने अपने अपने नाम के ऊपर मतलब नाम रख लिए,
ठीक है, हमको फार्मूला बोलिए, फार्मूला बताएंगे यहाँ क्या फार्मूला होता है। एक मिनट तो जॉब चेक देख लेते हैं, मेरे पास गलत चीज़ से बेहतर है कि एक बार चेक कर लो। छोटी चीज़ें हैं, यही सब कुछ आ सकता है आपके यहाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो लाजा थर्मोडायनामिक्स, शामिल कर ले तो वैसे अहज या थर्मोडायनामिक्स जो ला शुरू होते हैं वो कहाँ शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, ठीक है, तीन नहीं होते, कितने होते हैं, 0, 1, 2, 3।
थ्री, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे जीरो को शामिल कर लिया जाए तो चार हो जाएंगे। वैसे कितने हो तीन होते हैं, गिनती में कितने होंगे क्योंकि जीरो को गिनती तो लेते नहीं हम, उसे जब किसी के साथ एड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तभी उसका फर्क होता है। एड सबट्रैक्ट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन से फर्क पड़ता है कि जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा ठीक है, और भाग कर दोगे तो अनंत हो जाएगा। बच्चे हो गए, जब जीरो से किसी चीज को भाग करते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है। और जीरो को किसी गिनती से भाग कर देता हूँ तब जीरो ही रहेगा दुनिया में ठीक है। जीरो से अगर डिवाइड करेंगे तो अनंत आएगा, अगर अगर जीरो को किसी गिनती से डिवाइड करते हैं तो जीरो ही रहेगा ठीक है। पहला क्या था, जीरो प्लस थर्मोडायनामिक्स, देखिए वो किसे ब्रीफली बता रहे हैं, ज़्यादा पढ़ना है तो आप अपने घर पे पढ़िए किताब से, बाद में अलग से आप पूछ लीजिए मुझसे जो भी सवाल डालना, व्हाट्सएप नंबर दिया था मैंने, जो भी क्वेश्चन पूछना है कोई भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, उसका हम सवाल जवाब दे देंगे आपको, क्योंकि मुझे 8 घंटे में और 8 पीरियड में सब पढ़ाना है। अब आप समझ लीजिए आपकी डेट में कैसे पढ़ाया जाता है, तो जीरो क्लब थर्मोडायनामिक्स समझ लीजिए ठीक है। ये इसमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं इसे ठीक है, टेम्परेचर का कंसेप्ट भी किसमें है, जीरो क्लब थर्मोडायनामिक्स ठीक है। ऊष्मा गति का शून्यवादी क्या है, जीरो क्लब और थर्मोडायनामिक्स, पहले समझ लीजिए बताएगा कोई बताओ, क्या बताता हमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को बताता है, क्या बताता है ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर यूपीएससी वाले जीरो क्लब थर्मोडायनामिक्स क्यों अच्छी बताता है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या वर्णन करता है या टेम्परेचर के कंसेप्ट को बताता है, जीरो क्लब थर्मोडायनामिक्स क्या लिखिए, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इसमें क्या होता है कि अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर दो बॉडी जो है उनके टेम्परेचर क्या है एक समान है, भाई दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होती है जब दोनों का ताप क्या हो एक समान हो। ध्यान लीजिए आज ही पढ़ाया है, एक बार रिवीजन कर लोगे समझ में आ जाएगा कि अगर दो बॉडी है दोनों टेम्परेचर कैसे है समान है तो क्या कहते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में इसमें है। अगर हम तीसरी बॉडी उनके कॉन्टेक्ट में लाए कि दो बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और अगर थर्ड वन अगर तीसरी भी उसके उनके कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी तो ये क्या कहलाता है, जीरो क्लब थर्मोडायनामिक्स कहलाता है कि अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है अगर उनके कॉन्टेक्ट में तीसरी वस्तु को लाते हैं तो वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, जीरो क्लब थर्मोडायनामिक्स। अब वो कैसे होगी कि देखिए जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जिसका कम होगा तो वहाँ से क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, हीट बराबर हो जाएगी दोनों बॉडीज की तो क्या हो जाएगा वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे ठीक है। तो इसका क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यही है कि यदि दो वस्तुएँ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं यदि तीसरी वस्तु के संपर्क में लाई जाती है तो वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में या उसकी साम्यवस्था में हो जाती है, ये ऊष्मा गति का शून्यता नियम कहलाता है क्लियर। अब है क्या इसमें देखिए नोट कर लिया या लिखना है परिभाषा जो मैंने बोली वो लिखना है, यदि दो वस्तुएं क्या हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है उनके कांटेक्ट में अगर तीसरी को लाते हैं तो वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाती है ठीक है, ये ऊष्मा गति का शून्यता नियम कहलाता है। अगर पहले से इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर का फ्लो पास होगा
कंसेप्ट तो यहाँ पर है कि हमें दो पहले से इक्विलिब्रियम तभी तीसरी बुलाएंगे तभी तो टेम्परेचर वेरी करेगा। असल दो लेंगे तो वो दो तो आपस में कर सकती ना, लेकिन यहाँ क्या है कि वो दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में, वो भी तीसरी से टेम्परेचर वेरी करेगा। सुन लीजिए, जैसे समझ लीजिए, इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। इस पर छुपा हुआ है क्या? छुपा हुआ इसमें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर दो बॉडी एक बॉडी क्या है ये है, दूसरी क्या है हमारी, दोनों कहाँ में है ये थर्मल इक्विलिब्रियम, इसमें है ये। अब ये जो होता है जो बाल यहाँ पे दोनों को सेपरेट करते हैं, जो यहाँ पे बाल होती है वो कैसी होती है, इंसुलेटिंग बाल कैसी होती है, यहाँ पर ये ऊष्मा इधर से उधर नहीं जाने के लिए। कौन सी बात होती है इंसुलेटिंग बाल, आइसोलेटेड? हाँ आइसोलेटेड, इंसुलेटिंग बाल यानी कुछ अलग कह लीजिए। ठीक है, उष्मा को ना इधर जाने देगी ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने थर्मल इक्विलिब्रियम में लेंगे तो ये उष्मा इधर से तो पैसे भी नहीं जाएगी, जब दोनों ए और बी कैसी है थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या है दोनों और ए बी का टेम्परेचर क्या है समान है, इक्वल है। और किससे ये सेपरेटेड होती है, सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग बाय, सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग मतलब कुछ अलग, हिंदी क्या कहते थे कुछ अलग, यहाँ से उष्मा का कुछ अलग, उष्मा का लेन देन नहीं होगा। कुछ अलग के मतलब क्या होती है, ना तो उष्मा लेती है ना किसी को देती है। ठीक है, अब अगर क्या करते हैं तीसरी वस्तु को इनके संपर्क में लाने, इसे लाया तीसरी क्या मान लें सीमा की, वो तो दोनों इक्विलिब्रियम में है, तीसरी क्या इनके संपर्क में आते हैं, तीसरी को जब आते हैं तो ये जो बात होती है यहाँ पर ये डाइथर्मिक होती है, बेसिक होती है डाइथर्मिक बात, क्या होती है डाइथर्मिक, जो ऊष्मा को एक्सचेंज कर सकती है इधर से उधर, डाइथर्मिक बात। ठीक है, कैसी बात है ये डाइथर्मिक बात। ये ऐसी बात होती है जो अपने अंदर से ऊष्मा को इधर से उधर आने भी देगी और जाने भी देगी। ठीक है, डाइथर्मिक बात होती है, क्या कहते हैं इसे, क्या होती है डायथर्मिक की हिंदी क्या होती है, डायथर्मिक बाल जो होती है हिंदी क्या होती है, डायथर्मिक बाल ऐसी बाल होती है, बैठ जाओ डाई मतलब तो होती है परमाणु पर, डायथर्मिक है यार एटम थोड़ी है, डाई एटॉमिक थोड़ी बोल रहे हैं, डायथर्मिक है ये है वहाँ। फिलहाल ये समझ लीजिए डायथर्मिक बाल होती है जो हीट का एक्सचेंज होने देती है, यहाँ से ऐसे ऐसे सी में भी क्या होगा उष्मा इधर से उधर जा सकती है, बी से सी के बीच उष्मा का लेन देन हो सकता है। अब देखिए होता क्या है, ये तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में पहले से सुन लीजिए, मतलब बहुत टाइम मिल जाएगा हमें आगे बढ़ना है, अगर एक ही पड़े रहेंगे ना तो फिर कैसे आज के बाद तीन बचे हैं, आज के बाद आज पांचवा लेक्चर है, तीन ही बचे इसके बाद, समझ रहे समझ रहे तो देख लेना हिंदी में घर पर देख लेना। ठीक है, तो ये समझ लीजिए जो डायथर्मिक बाल होती है ऐसी बाल होती है जिससे ऊष्मा का एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज मतलब लेन देन। ठीक है, ए से सी की तरफ चली जाएगी ऊष्मा और सी से ए की तरफ चली जाएगी, और ऊष्मा का प्रभाव कैसे होता है, कब होता है ऊष्मा का प्रभाव, एक टेम्परेचर एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो दूसरी का कम हो। अगर देखिए ए और बी कैसी है थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसमें है कि दोनों के ताप कैसे हैं बराबर, थर्मल इक्विलिब्रियम के मतलब क्या होता है कि दोनों के ताप क्या हो समान। अब अगर सी का टेम्परेचर ए से डिफरेंट है, ए के ज्यादा है या फिर सी का ज्यादा है, भाई दोनों में से डिफरेंट मतलब क्या होगा, या तो ए बड़ा है या फिर सी बड़ा है। ठीक है, तो अगर दोनों के बीच में टेम्परेचर की कोई भिन्नता होगी तो क्या करेगी ऊष्मा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, और जब तक ऊष्मा का प्रवाह होगा तब तक ए का टेम्परेचर सी के बराबर ना हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे, इसी तरीके से बी और सी में अगर टेम्परेचर की भिन्नता है तो बी और सी के बीच क्या होगा ऊष्मा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो होगा क्या, रिजल्ट क्या निकलेगा कि ए का टेम्परेचर सी के बराबर हो जाएगा और सी का टेम्परेचर बी के बराबर हो जाएगा, तो मतलब क्या निकला तीनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तीनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो मतलब क्या होगा तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम
रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्लियर। तो यही क्या है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि अगर दो बॉडीज हैं या दो वस्तुएं हैं उनके टेम्परेचर समान है, अगर उनके कॉन्टेक्ट में तीसरे को लाते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, थर्मल इक्विलिब्रियम में या उसमें सामरस्यता में आ जाती है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है, क्लियर। अब अच्छा बताओ, किसी कुछ पूछ रहा है? हाँ, क्यों नहीं होंगी, जो मैंने पहले कह दिया, जब हमने अरे पहले कह दिया ना ये दोनों टेम्परेचर सेम रखे गए हैं, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी? तो अलग अलग कहाँ कह रहे हो, जब उष्मा का फ्लो जब होगा जब टेम्परेचर अलग अलग हो, अरे तो इंसुलेटिंग वॉल सेपरेट कर दिया ना, वो तो पहले मान लिया कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब है कि दोनों ताप समान है, नहीं समझी आप क्या स्टेटमेंट है, स्टेट के मतलब स्टेटमेंट के मतलब कथन हो, यदि दो वस्तुएं थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यदि उनके कॉन्टेक्ट में तीसरी वस्तु को लाते हैं तो वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाती है, बात समझ भाई। अब इंसुलेटिंग वाले इसलिए वहाँ पर इसलिए कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि ऑलरेडी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्या है पहले से ही थर्मल इक्विलिब्रियम में, दूसरे के दोनों के टेम्परेचर कैसे हैं एक समान है। अब चाहे वहाँ इंसुलेटिंग वाल हो चाहे डायथर्मिक वाल हो, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा नहीं, फ्लो हमें करना किसको है, तीसरी को करना है थर्मल इक्विलिब्रियम, जो हमारा फार्मूला कहता है, जो हमारा नियम क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि अगर दो वस्तुएं थर्मल इक्विलिब्रियम में है उनके कॉन्टेक्ट में अगर तीसरी को लाते हैं तो तीसरी भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन होगा किसके बीच होगा, ए और सी के बीच होगा या सी से बी के बीच होगा, ए और बी के बीच नहीं होना, इसीलिए दूसरे का इंसुलेटिंग वाल रखा गया है, वो इंसुलेटिंग वाल इसीलिए रखा गया कि उनके भी टेम्परेचर का चेंज नहीं करना मुझे, इसको लाना है इक्विलिब्रियम में तीसरी को लाना है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट है, जो बात के दिमाग में चल रही है वही बात सही है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट में थोड़ी परिवर्तन कर सकते हैं, ये एक वचन है, ये किसी ने वचन दे दिया, उस वचन का हम एक्सप्लेनेशन तो कर सकते हैं लेकिन वचन एक से रहेगा ना, कि नेहरू जी क्या कह गए, आराम हराम है, क्या कहा, आराम हराम है। अब वो जो उनका स्टेटमेंट है वो तो नहीं चेंज हो सकता, अब उस आराम हराम को हम जिसने चाहे एक्सप्लेन कर ले जिस तरीके से, वो हमारे ऊपर है, समझ गए नहीं समझ गए, या बोलो तू हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, इसने कहा था ये सुभाष चंद्र बोस ने, तो वो उनका स्टेटमेंट नहीं चेंज होगा, अब उसका एक्सप्लेनेशन या व्याख्या जैसे चाहे आप कर लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हर एक इंसान का अपना दिमाग है अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करें जी, नहीं भाई स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते, अगर उसे बढ़ाना है तो अलग की बात है, वो अपना स्टेटमेंट अलग हो जाएगा, उनका नहीं बढ़ा सकते आप, वो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, उसको घटा बढ़ा देंगे, उनका थोड़ी चेंज कर दोगे, उनका जो है सच रहेगा, यही कहते हैं स्टेटमेंट के मतलब जो होता है कथन होता है, जो जिसने कह दिया वो वैसा ही रहेगा। अब अगर हम अपना कोई देना चाह रहे हैं तो उसमें डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन वो उनका नहीं रहेगा, वो हमारा हो जाएगा, या मॉडिफाइड बाय मी या मॉडिफाइड बाय यू, संशोधन हो जाएगा वो आपके अनुसार या हमारे अनुसार तो हो सकता है, लेकिन जो वचन है वचन वचन ही रहेगा। तो स्टेटमेंट की मतलब यही होता है कि जो कथन है वो कथन ही रहेगा। अब उसका एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से जितने चाहे कर लीजिए आपकी मर्जी, ठीक है, अब कन्फ्यूजन कुछ खत्म हुआ नहीं, हमारा काम यह कन्फ्यूजन खत्म करना है आपका, पढ़ाई लिखाई तो आप किताबों से भी कर सकते हो, हर एक किताब में लिखा हुआ जो आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ दिया इसमें कुछ है, हम तो सिर्फ आपको ब्रीफली से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज लेक्चर में आपको कितना दे सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी तेज भी चल जाते हैं उसकी वजह से, तेज की वजह से क्योंकि आप लोगों के लिए आठ लेक्चर सफिशियंट नहीं है, आठ लेक्चर उन लोगों के लिए सफिशियंट है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, यस तो कन्फ्यूजिंग स्टेट में यानी वर्टेक्स स्टेट में उनके लिए तो आठ लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन जो एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं फ्रेश फ्रेश स्टूडेंट हैं जिन्हें कभी आज तक फिजिक्स का नाम ही नहीं सुना, उनके लिए आठ लेक्चर में कैसे हो सकता है, दोनों पार्ट ए और बी कभी हिंदी नहीं हो सकते हैं, आज जो पहले से तैयारी कर रहे हैं जिन्हें थोड़ा बहुत पता है उनके लिए तो डिस्कशन लेक्चर तो आठ हो सकते हैं, लेकिन रिफ्रेशर के लिए सफिशियंट नहीं आठ लेक्चर। मतलब फ्रेशर के लिए आठ लेक्चर में कैसे
पॉसिबल है भाई। अच्छा आपका स्टाफ को बड़ा होता है, ये क्लियर हो गया आपके? अरे हाँ सर बढ़िया आ गया, थोड़ा बहुत आ रहा होगा। अब जाकर इसीलिए पहले देखिए आई एन एस है क्या, कह अरे छोड़ो सही चल रहा है वो तो, मैंने कहा अगर जल्दी कहीं छूट जाए वो सब चीज़ को मिटा नहीं सकते हैं। इंसुलेटिंग और बोल रहे हैं तो अपने हिसाब से नहीं कर लो, इसमें भी एक आध हो सकती जल्दी में रेंज छूट गया। इंसुलेटिंग है जो है एडियाबेटिक की बात है, ठीक है। एडियाबेटिक में भी क्या होता है, लेन देन नहीं होगा फिट का, एडियाबेटिक भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें एडियाबेटिक भी कह सकते हो, एक ही बात एडिया बेटी पाल ना उसमें लेगी ना देगी, ठीक है। एडिया बेटी पाल कैसी होती है, जो अपने अंदर से ना हीट को दे देगी ना एक्सचेंज ऑफ हीट, दोनों बात इंसुलेटिंग भी कह सकते हो एडिया बेटी भी कह सकते हो, ठीक है। बिठा दे अच्छा साहब आगे बोले। अच्छा ये प्रोसेस भी अभी ही फिकर कर ले, हम प्रोसेस याद दिला दिए या पहले थर्मोडायनामिक कैसे पढ़ लो, वो थर्मोडायनामिक ला चल रहा है वही पढ़ लो पहले, प्रोसेस भी बता देंगे जल्दी में थोड़े थोड़े, क्योंकि प्रोसेस भी कुछ होते हैं इसमें थर्मल फिजिक्स में। तो दूसरा क्या है, फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक, ठीक है फर्स्ट क्लास। अब अगर जल्दी में एस छूट जाए तो लगता है कि आप एस अपने आप पढ़ा लें, ठीक है फर्स्ट क्लास। उष्मा गति का प्रथम नियम, ठीक है क्या होता है, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। लॉ ये का जल्दी से चल गया ना, जाना समस्या है इस सही से समझ जाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी संरक्षण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है तो बता देंगे, ऐसे बोलोगे तुम पढ़ा रही हो यहाँ बिल्कुल सही कहा, कि क्या होता है बैटर, कि ऊर्जा का जो है ना तो हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि ऊष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना उसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ क्या होता है केवल ऊर्जा के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्या लिखो, अकॉर्डिंग टू इट, इस नियम के अनुसार नाइदर एनर्जी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इंग्लिश में लिखना क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार। तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, नाइदर एनर्जी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इस नियम के अनुसार। हाँ जी सही तो है, मुझे तो बात है कार के लिए ऊर्जा के लिए बात नहीं, कार भी जो ऊर्जा की फॉर्म है, ठीक है। फिलहाल जो हम लिखा रहे हैं उसे लिखो, ठीक है। किताबों में बहुत सारी किताब, कौन सा किताब से लिखा मुझे भी नहीं पता ना, ठीक है। जो इसका स्टेटमेंट है वो चेंज नहीं होगा, उन्होंने अब से किसी फॉर्म और वो मैंने सुन लीजिए पहले, वो बात सही है जो लिखा है, लेकिन जहाँ पर पहले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि स्टेटमेंट को हम चेंज नहीं करते, ये क्या लिखेंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन जैसे चाहे कर लीजिए, ये जो उसकी व्याख्या है उसे जिस तरीके से करना है कर लीजिए, लेकिन स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो पहला इसका स्टेटमेंट क्या है, नाइदर एनर्जी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी
कन्वर्ट्स इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा हो, ये थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ कह रहा है, बाकी दूसरा लॉ क्या कह रहा है वो तो बात की बात है। ऐसा नहीं कि एक लॉ ही सब पे फिट हो जाएगा। देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू इट नाइदर एनर्जी क्रिएट नॉर डिस्टर्ब। इस नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एक फॉर्म जो है उसका रूप फॉर्म मतलब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यह है इसका क्या है उसमें गति का कुछ करने, जैसे मैकेनिकल एनर्जी को किसने चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो डायनेमो हमारा है वो डायनेमो क्या करता है कि हम वर्क करते हैं वो वर्क किसमें चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में डायनेमो का काम ही यही है। ठीक है, इसी तरीके से जो है सोलर सेल क्या करती है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, तो मतलब यही कहने का मतलब है इस नियम के अनुसार यह है कि ऊर्जा को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, केवल ऊर्जा की एक फॉर्म को यानी एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, या क्या कहलाता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर, लिख लिया सबने, इल्म आवाज समझ में आई। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं उदाहरण के लिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल या वाइस वर्सा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए क्या लिखोगे कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके द्वारा वाइट डायनेमो, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद लाइट एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाई सोलर सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आपने पढ़ा है बैटरी को चार्ज करते हैं इन्वर्टर से घर में क्या होता है भाई, उसके अंदर बैटरी के अंदर क्या है प्लेट्स लगी है, क्या लगी है वो बात जब बात आएगी सेकेंड पार्ट की तो वहाँ बताएंगे कैसे क्या होता है, लेकिन वहाँ ऊर्जा कैसे चेंज हो रही है कि पहले आप क्या करते हैं इन्वर्टर का काम क्या होता है, चार्जर भी लगा होता है साथ में एक्सीलेटर भी होता है, एक्सीलेटर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी और चार्जर का काम करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, जहाँ वो एसी डीसी में बात की बात है अपने चैप्टर की बात है, बोलो नेक्स्ट बुक होगी वो। ठीक है, तो होता क्या जो हमारे घरों में बैटरा रखा हुआ है सब घर में लाल आम कौन से इन्वर्टर सबके घरों में होगा, सबने देखा भी होगा, तो वहाँ इन्वर्टर में क्या होता है कि पहले जो पावर सप्लाई आती है तो कौन सी एनर्जी आ रही है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, विद्युत ऊर्जा आ रही है, तो विद्युत ऊर्जा वो किसमें स्टोर हो रही है केमिकल एनर्जी में, क्योंकि बैटरी के अंदर क्या भरा हुआ है केमिकल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है केमिकल भरा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हमारा जो इन्वर्टर क्या करता है उसके अंदर चार्जर लगा होता है। ठीक है, तो क्या करता है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करके किसमें स्टोर कर रहा है केमिकल एनर्जी में, और जो हमारी लाइट चली जाती है वही केमिकल एनर्जी स्टोर है वो किसमें चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो जो हमारे सर्किट में जो करंट बहती है वो कैसी होती है इलेक्ट्रिकल करंट ही होती है, कैसी होती है विद्युतीय धारा जिसे अल्टरनेटिंग करंट कह लीजिए, लेकिन होती क्या है वो इलेक्ट्रिकल होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये नियम सिर्फ यही बताता है कि ऊर्जा की एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट सकते हैं, ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट, तो मतलब क्या हुआ रिजल्ट क्या निकला कि ऊर्जा कैसी रहती है संरक्षित रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या दूसरी फॉर्म से। तो ये क्या बताती है एसएस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये नियम हमें क्या बताता है ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है, ये भी लिख सकते हो लास्ट में कि ये फर्स्ट लॉ हमें जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक एक्सप्लेन एसएस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर, बात सब क्या समझ में आ गई, आगे बढ़ा। यस सर, अगला इसका भी इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी थोड़ा समझ लीजिए, कभी कभी मैथमेटिकल फॉर्म एक नंबर पूछ ले सर। अच्छा, अब यहाँ सुन लीजिए, बाद में थोड़ा घर पे देखते रहे ना, हम बाद में चेक कर लेंगे कहाँ सही है कहाँ गलत होगा। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम फर्स्ट लॉ पर डालेंगे, डाल लीजिए गणितीय रूप, खाली गणितीय रूप लिख लीजिए, फर्स्ट लॉ चल ही रहा अपना। अब बताओ फर्स्ट, अब बताओ स्टूडेंट बैठी है नाम उसका क्या है, अरे याद है तुम्हारा जी हम किसी
भाई से समझाओ जैसे इनके भी समझ में आए, मतलब अपनी भाषा अपने मुँह में बोलते रहोगे तो फायदा क्या होगा। मतलब अब यही समझो कि अब आप यू पी एस सी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए टीचर बन जाओ, जो हम बात कह रहे हैं कि जो बैठे हुए उनके समझ में आ जाए, तब तो बात आपकी कहीं भी थोड़ी असरदार होगी, अदरवाइज वो क्या होगी कि सिर के ऊपर से निकल जाएगी। व्यर्थ कह लीजिए, देखिए कोई सिस्टम कहाँ है, ये सिस्टम क्या बताया था, कौन बताएगा? ये पूछने का मतलब होता है जो पहली बार बच्चा आया उसके भी कुछ बात समझ में आ जाए कि सिस्टम क्या चीज़ है। ये सिस्टम ये होता है कि अगर कोई डिफरेंट अमाउंट ऑफ ले लें किसी मैटर का, कोई डिफरेंट अमाउंट ले लें, अगर उसे किसी बाउंड्री से घर दें तो वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। मान लो चाहे वो मैटर क्या है, डिफिनेट अमाउंट ऑफ मैटर। और मैटर कितने प्रकार का होता है आप लोग सभी जानते हैं, पांच तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है, ठीक। इस चाहे कोई भी हो मैटर, चाहे वो वहाँ पर सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो या प्लाज्मा हो या कंडेंसेशन ऑफ मैटर, ठीक है, पांच तरीके का मैटर होता है, ठीक है। तो किसी की अमाउंट को अगर हम किसी बाउंड्री द्वारा क्या कर दें, बाउंड कर दें या कवर कर दें या सराउंड कर दें, वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जाहिर बात है कोई सिस्टम है कि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ होगा इसका, ठीक है, किसी भी मैटर का होता है, वो गैस हो या लिक्विड हो। यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, थर्मोडायनामिक्स में क्या लेते हैं, गैस लेते हैं, क्या लेते हैं, ज़्यादातर गैस को लिया गया है, ठीक है। अगर इस सिस्टम को हम डी क्यू हीट कितनी उठवा दें, स्मॉल अमाउंट ऑफ की देते हैं, डी क्यू को मतलब अगर केवल क्यू कहें तो अमाउंट ऑफ हीट हो जाएगा, केवल क्यू लिखा हो तो क्या होगा वहाँ पर, अमाउंट ऑफ हीट स्मॉल की मात्रा। अगर डी की रूप में डी वहाँ पर लगा हुआ ना, स्मॉल चीज ली जाती है, क्या ली जाती है, छोटी चीज। तो इसी छोटी चीज को रिप्लेट करने के लिए क्या करते हैं, डी बना देते हैं। वेब पेटिंग वाले तो समझ रहे होंगे, लेकिन जो आप लोगों में कैसे समझाना है कि भाषा यही आप लोगों वाली स्मॉल हो जाती है, जहाँ डी लगे तो वहाँ मतलब क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। अब अगर ये सिस्टम को हम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, ठीक है, कितनी हीट दी मैंने, डी। अब इस डी क्यू को ये जो सिस्टम है वो दो तरीके से यूज करता है, कितने तरीके से यूज करता है, कहीं कहीं तीन भी लिखा है, आपको ही समझ लीजिए तो ही जरूरत है, किसी किसी किताब में तीन भी लिख दिया है रिजोड़ी। तो कितने तरीके से यूज करता है, एक तो इस पर क्या करेगा, वो आंतरिक कार्य में खर्च होगी, ये उसमें है किसमें खर्च होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल जब स्मॉल अमाउंट का भी देते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, स्मॉल ही बढ़ेगी। मैंने क्या कहा था, अगर स्मॉल देंगे तो स्मॉल बढ़ेगी, अगर पूरी देंगे तो पूरी दिखाएंगे, तो क्या करेगा ये, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्या लिखेंगे इसे हम, इंक्रीज बढ़ाने, ठीक है, बढ़ेगी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, या स्मॉल अमाउंट भी लिख सकते हो, तो आप समझ जा रहे हैं कि स्मॉल की बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा इसकी क्या होगी, बढ़ाएगी। पहला काम क्या करेगा, फर्स्ट पार्ट इसका होगा, यूज होगा उसमें, ये क्या है, एक पार्ट इसमें यूज हो गया, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी आंतरिक ऊर्जा। दूसरा काम क्या करेगा, ये बर्नर में करेगा, जो एक पार्ट क्या करेगा, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो इसमें हो गया, सेकेंड पार्ट के लिए या रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट क्या लिखेगा, चलो चेक कर लेना, रिमेनिंग पार्ट मिटा नहीं सकते, जो लिखता है जल्दी हो जाता है, रिमेनिंग पार्ट जो होगा शेष भाग, हिंदी भी लिख देते हैं, शेष भाग जो होगा वो या सेकेंड पार्ट भी कह सकते हैं, शेष भाग क्या करेगा, वर्क करेगा, क्या करेगा, वर्क डन, और किसके अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट, यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा सिस्टम के अंदर, इंटरनल
एक्सटर्नल फोर्स जो होगा यहाँ पर उसके अगेंस्ट क्या करेगा, ये वर्क डन करेगा। क्या काम करता है कि अगर हम सिस्टम को टीकी हीट देते हैं तो वो जो हीट जो है कितनी फॉर्म में होती है, दो पार्ट में होती है। पहला पार्ट क्या करता है उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, और दूसरा पार्ट क्या करता है एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करता है। तो मतलब क्या हुआ कि पहला नियम क्या बताता है कि अगर हम किसी सिस्टम को ऊष्मा देते हैं वो ऊष्मा जो है दो तरीके से यूज होती है। पहला क्या होता है सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ भाग वो क्या करता है एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट यानी बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया कि डी क्यू किस पे खर्च हो गई, दो पार्ट्स पे खर्च हो गई। तो अगर हम डी क्यू को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या करा डी क्यू ने, एक तो क्या किया आंतरिक ऊर्जा बढ़ाई, दूसरा क्या किया बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स के विरुद्ध उसने क्या 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 काम करा। ठीक है, तो ये जो कहलाता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑफ। तो इसे इतना नोट कर लीजिए, आपके लिए इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, यही होगा, अपने यांत्रिक यांत्रिक कर रहे हो, यांत्रिक थोड़ी दे रहे हैं, यांत्रिक एनर्जी बढ़ा रहा बस, खाली यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जो ये लिखा है मैंने ये लिख लो, ये ज़्यादा सही है। तुमने किस किताब से नोट करा मुझे लिखा जी, सैटेलाइट रेडिएशन, देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। मेरे पास है, मेरे पास जो यहाँ पे एन सी आर टी के जो नोट्स हैं, जो नोट्स में दिए गए हैं हम उसी से पढ़ा रहे हैं स्टेप वाइज के, क्योंकि उस तरीके से जो हमें चैप्टर वाइज दिया गया है नोट्स, हमें नोट्स दिए गए ना यहाँ प्रोवाइड करे गए एन सी आर टी के, तो उन्हीं नोट्स से ही मैंने स्टेप वाइज के पढ़ा रहे हैं आपको। अगर जहाँ सैटेलाइट वाला अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है वहाँ पर, अभी दिखा भी नहीं, हाँ वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, मेरे सिलेबस में तो है नहीं। हमारे सिलेबस में लास्ट ग्रेविटेशन पढ़ाया मैंने, फिर उसके अंदर बल्क और एनर्जी पढ़ाया है, पावर जो होती है पावर का नहीं पढ़ाया पावर या बर्क पर यूनिट टाइम, कि बर्क पर यूनिट टाइम जो होता है वो पावर होता है। ठीक है, शक्ति से कहते हैं। ठीक है, अभी हम इलेवेंथ का ही पार्ट टच कर रहे हैं, तो एलेवेंथ में अभी हम इस पर कहाँ गए, इस पर आ गए थर्मल वो सेकेंड पार्ट में। अब तीन पीरियड और बचे हैं, वही पढ़ा नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताते चले जा रहे हैं, बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अपने आप से पढ़ लो, सैटेलाइट इलेक्ट्रोलाइट वगैरह यहाँ पे नहीं होगा फिजिक्स में, ये करंट अफेयर्स में आता होगा अपने आप के हिसाब से पढ़ लो, क्योंकि करंट अफेयर्स में ही सब चीज़ें आती होंगी। सैटेलाइट में सैटेलाइट का ध्यान नहीं, मैंने पूरा कलम देखा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ाना है, मान लो बेसिक फिजिक्स, तो बेसिक फिजिक्स जितना है वो हम आपके लिए स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं। शुरू में जो पहला चैप्टर था मोशन इंडिकेट्स डिस्क्रिप्शन, तो मोशन की बात पूरी करी, मोशन क्या होता है फिर उसको डिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ मोशन कितने तरीके का मोशन होता है, फिर उसके बाद जो है ये टाइप ऑफ मोशन कितने तरीके का होता है, उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह ये सब किताब पढ़ा दिया मैंने, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन थे वो पढ़ा दिया, इनर्शिया इनर्शिया लॉज ऑफ मोशन न्यूटन था, उसके बाद बल्क एंड एनर्जी वगैरह था वो सब पढ़ा दिया इतने लेक्चर्स में बता रहे हैं आपको, और उसके बाद ग्रेविटेशन वगैरह ये सब मैंने नहीं बता दिया। अब ग्रेविटेशन में ही आता है सैटेलाइट का पार्ट, वो है ही नहीं, ये ग्रेविटेशन पृथ्वी ऊर्जा में ही वो आता है सैटेलाइट वाला पार्ट, सैटेलाइट हाँ ग्रेविटेशन वगैरह हो गया सब, ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, सब बता दिया मैंने एक करके। अब कितने टाइम में कितना बताया जा सकता है, या तो हो कि कम से कम लेक्चर हो मेरे पास, यही होता है कि मुझे बेस्ट 20 लेक्चर लेना है 20 लेक्चर, तो उसी हिसाब से पढ़ाई होती है। अब एट लेक्चर में क्या क्या कवर कर सकते हैं, फिर भी तो डेमो कितना तेज चल रहे हैं, वो तेज चलने की वजह यही है, और फिर इन बच्चों को ध्यान में भी रख के चलना है, क्योंकि जिनने कभी आज तक फिजिक्स की शक्ल नहीं देखी है, फिजिक्स क्या होती है पता ही नहीं, अब उस चीज़ को हम कैसे लेकर समझाएं ये भी तो दिमाग में रखना है, कि इनकी इतनी बात तो हो जो कुछ तो समझ में क्या जाए, वरना फिर ये होगा कि सर क्या पढ़ा के गए, क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता ही नहीं, तो उसी हिसाब से हमें चलना पड़ रहा है। वो तो अच्छी बात है कि एक घंटे का लेक्चर हम लोग आपको डेढ़ घंटे का ले रहे हैं, और जो गवर्नमेंट पैसा एक ही घंटे दे रही है, यही बता दें मैं आपको।
रेमोनरेशन हम लोगों को बढ़ाया नहीं है, तो पैसा जो है अब 2 घंटे मेरे सर्वे इसका 2000 पर पीरियड है, और 2000 पर पीरियड हम लोग उसके मिलते हैं यूजी के यहाँ यूपी। अब वो भी कितने मिनट का पीरियड होता है, 45 का ये कुछ यहाँ 1.5 घंटे पढ़वा लें, 1.5 घंटे लगातार बोलना इतना आसान है क्या? अब वो भी कुछ बच्चों के भी क्या तो फिजिक्स वाले होते हैं मजाकार पढ़ाने में, उन्हें कुछ पता होता है बैकग्राउंड उसका, पता है फिजिक्स का। अब इसमें बेचारे आर्ट्स वाले भी, लेकिन हमें उस हिसाब चलना है कि कुछ समझ में आ जाए कि वो भाषा बोलनी है जिसे कुछ तो गेन कर लें, वरना क्या होगा, इनको तो कोई फायदे ही नहीं हुआ है यहाँ पर। और फिजिक्स वालों को पढ़ने क्या जरूरत है, वो तो इतना पढ़े ही हुए पहले से, पीछे बैकग्राउंड के हैं उनके लिए क्या है, कुछ नहीं है, वो तो एक बार पकड़ लेंगे जाके अपने नोट्स तब भी उसे समझ लेंगे। और सब आगे बढ़ते समझ गए क्या कहलाता है, फर्स्ट क्लास मेडिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कि फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स का क्या है गणितीय रूप है। उसके बाद हम आ जाए अच्छा थोड़ी बात कर लेते हैं, अभी सेकेंड पर ले जाएंगे, सेकेंड पहले थोड़ा प्रोसेस की बात कर ले, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, जरा इसको जल्दी से एक एक बात समझ लीजिए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उसमें आकृति प्रक्रम, ठीक है, जल्दी जान लो बस एक एक बार बताना है आप लोगों को। बाई देवे अगर बाई देव आ जाए इस तरह के क्वेश्चन कहेंगे आपके यहाँ बहुत ज़्यादा, अब हमने तो कभी एग्जाम दिया नहीं, आप लोगों ने दिया तो आपको पता है, लेकिन हमें ये बताएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और उसी हिसाब से कोशिश कर रहे हैं आप लोग जितना भी दे सकते हैं दे देंगे। 10 मिनट बचा, 10-12 बचा, 8 मिनट बचे, तुम्हारे क्लास के चक्कर में अनुजा अपने गाँव जाना था, जाएंगे पढ़ने के बाद इसके साथ से गाँव। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है, उष्मागतिक प्रक्रम, ठीक है, तो देखिए ये जो होते हैं ज़्यादातर जो हमने पढ़ा है, देखिए एक होता है थर्म, दो प्रोसेस होते हैं एडियाबेटिक आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोपोरिक एंड साइक्लिक, ठीक है, इतने ही आपके उसमें रहेंगे। तो कितने तरीके होते हैं, वैसे तो हम 4 ही पढ़ते हैं लेकिन हम आसमान भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस पहला जो होता है क्या लिखोगे, 13 डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, डिफरेंट कर दो हमको गिनती नहीं देंगे कितने तरीके होते हैं, ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस 3 प्रकार के होते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस उसमें आगतिक प्रक्रम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक डालो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर एक आइसोथर्मल, आइसो जहाँ लग रहा है तो सेल्फिश हो जाता है, ठीक है, सेल्फिश वर्ड है आइसो, आइसोथर्मल प्रोसेस उष्मागतिक समतापी प्रक्रिया, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। हिंदी का डेफिनेशन उष्मागतिक प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, समतापी समानता, आइसो मतलब समान, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक है, समतापी प्रक्रम। तो समतापी क्या होता है कि प्रोसेस के दौरान जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बस इतनी बात रखना, यहाँ क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जब प्रोसेस होगा तो प्रोसेस के दौरान जो होगा वो टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट, इनके बीच रहेगा सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। भाई दो ही चीज़ें पढ़िए, सिस्टम निकाय और उसके आसपास का जो होता है आउटसाइड ऑफ सिस्टम क्या कहलाता है सराउंडिंग्स। मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, अगर एक कमरा सिस्टम है तो कमरा से बाहर जो भी चीज़ें हैं वो क्या है सब सराउंडिंग्स है, मतलब जिससे सिस्टम एनर्जी का एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहलाते हैं उसे, तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर हर पार्ट का कांस्टेंट है तो वो प्रक्रम क्या कहलाएगा समतापी कहलाएगा, मतलब प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या कहलाएगा समतापी। तो इतना ध्यान रखना, यहाँ क्या रहता है टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या रहता है टेम्परेचर कांस्टेंट, इतना अगर आपके ध्यान में इस तक कभी से समतापी प्रक्रम में क्या होगा ताप कांस्टेंट रहेगा। हाँ हेलो, अभी तो हम कॉलेज में हैं तो निकलेंगे थोड़ी देर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सिस्टम, तो प्रोसेस होगा हमारा सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो क्या कहलाएगा हमारा समतापी प्रक्रम। दूसरे नंबर पर क्या आया हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस, कौन सा एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या कहते हैं
पे मारा तो लिख देते हैं गलती में एडिया वेटिंग आइडिया नहीं होता एडिया ध्यान रखना ठीक है बहुत सारे आइडिया होने लगते हैं एडिया वेटिंग प्रोसेस इसमें क्या होता है जब प्रोसेस होता है तो उष्मा का लेन देन नहीं होता है देन इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बस इतना ध्यान रखना कि जब प्रोसेस होगा तो वहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा ठीक है तो क्या कहलाएगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा और किसके बीच नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग का किसी बात रखना कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी तरीके की ऊर्जा का लेन देन नहीं होता क्या नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी प्रकार की ऊष्मा का लेन देन नहीं होता तो वो क्या कहलाता है एडियाबेटिक प्रोसेस एक बार याद रखना कि ऊष्मा का लेन देन जहाँ नहीं होगा वहाँ प्रोसेस कौन सा होगा एडियाबेटिक ठीक है तीसरा वर्ड क्या है प्रोसेस के दौरान क्या होगा सब तापीय प्रक्रम में ताप समान रहेगा ताप समान के मतलब ताप कांस्टेंट रहेगा समान के मतलब क्या होगा चेंज ना हो ठीक है यहाँ क्या होगा ऊष्मा का लेन देन नहीं होगा देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ठीक है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी प्रकार की ऊष्मा का लेन देन नहीं होगा ठीक है तीसरे पे बस इतना याद रखना आइसोबारिक प्रोसेस आइसोबारिक बारिक कहाँ आता है दाब में आता है ठीक है आइसोबारिक प्रोसेस प्रोसेस लिख लेना समदाबी प्रकरण से इंग्लिश क्या कहते हैं सम दाबी उसे नाम में ही है सम के मतलब समान दाबी मतलब दाब ठीक है समदाबी प्रकरण ठीक है यहाँ क्या होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच दाब कांस्टेंट रहेगा क्या रहेगा एक कांस्टेंट प्रेशर या थ्रू कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट रहेगा इसलिए ध्यान रखना आपके लिए इतना सफिशियंट है अगले वाले में क्या है आइसोबोरिक प्रोसेस क्या होगा चौथा आइसोबोरिक प्रोसेस ठीक है सम आयतनिक प्रक्रम सम आयतनिक आयतन कांस्टेंट रहेगा सम आयतनिक प्रक्रम सब आयतनिक प्रक्रम तो अब पहली की तरह से जो होती है हिंदी वाली में पता नहीं है हम लिख देते हैं हिंदी के हिसाब से सब आयतनिक प्रक्रम तो मतलब क्या होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच आयतन का कांस्टेंट क्या लिखोगे थ्रू रिमेंस वॉल्यूम कांस्टेंट ठीक है क्लियर अब साइक्लिक प्रोसेस पास का इतना तो सुना था सब लोगों ने विजय ने नोट कर लिया बता दें साइक्लिक प्रोसेस में क्या होती है चक्रीय दाब इन अवस्था में बदलाव होता है आदि निमित्त की स्टेटस से निकलते हुए अपने प्राइम अवस्था में आ जाता है प्रोसेस के दौरान इंटरनली मान कांस्टेंट रहती है क्या ध्यान रखना कि थ्रू आउट द प्रोसेस अंतिम ऊर्जा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी क्या रहेगी आंतरिक ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहेगा पांच नंबर पर क्या रहेगा इंटरनल एनर्जी जो होगी वो सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी बस क्या रहेगी कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी थ्रू आउट द प्रोसेस तो जो चक्रीय प्रक्रम हिंदी क्या कहते थे चक्रीय प्रक्रम साइक्लिक को चक्रीय ठीक है तो क्या रहेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी थ्रू आउट द सिस्टम अरे ये मेरे बड़े और हर बच्चे का मार्क्स है होनहार बच्चे देखी नहीं जाएंगे होनहार बच्चों फिजिक्स की जरूरत नहीं है दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रखते कंप्यूटर में बैठा जो आधा क्वेश्चन आधे घंटे से अच्छा ठीक है अब यहाँ पे सब उमेश बैठी हो सकता अच्छा अभी आप यहाँ ख़त्म करते हैं टाइम भी हो गया है हाँ जी अब खैर भाई उनका किसी कभी भाई फोर्स नहीं होती है यस सर
ठीक है, कोर्स देखे किसी को पढ़ाया नहीं कर सकता। टीचिंग हमेशा जो होती है, ये भी कोई भी तैयारी होती है उसके एक टेस्ट होती है। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है चीज़ों के भी तब तो उसमें लगन से लगेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम, उसके समय की बर्बादी। चेंज इन इंटरनल चीज़ होगी ना, वो सिस्टम की कॉन्स्टेंट रहेगी, आंतरिक ऊर्जा जो होगी वो परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, बदलता जा रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, रिमेंस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। क्लियर? चलिए Thank you.